वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या आप सभी मेरी आवाज़ को ठीक से सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूनम जी। सर ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, ये सेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो भी जितनी भी लंबी रिकॉर्डिंग होगी उसको कुछ पार्ट्स में काट करके अपलोड किया जाएगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज का सेशन जो है वो करीबन 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा का होगा। तो इस वजह से हमको रिकॉर्डिंग्स को स्प्लिट करना पड़ेगा और स्प्लिट करके अपलोड करना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको कल मिलेंगी। क्योंकि आज का दिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एनकोडिंग वगैरह में मेरी टीम इन्वॉल्व होगी, तो कल ही अपलोड हो पाएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ऑनलाइन वेबिनार है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देश के विभिन्न जगहों पे बहुत बारिश हो रही है, तो दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस समय, ईस्ट दिल्ली में। तो ऐसा हो सकता है कि कभी मेरा इंटरनेट जो कनेक्शन है, जो हाई स्पीड कनेक्शन है, वो फ्लक्चुएट कर जाए। तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज परेशान मत होइएगा, आपको बस लॉग्ड इन रहना है और मैं जो है बैकअप पे स्विच करके वापस ऑनलाइन आ जाऊंगा। वेरी गुड। सो पंकज जी, आप शिमला से हैं? ओके, माय वाइफ इज फ्रॉम शिमला। ये बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी। गाइस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीबन 18-18 लोग इसमें इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने चाहिए, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि सब लॉग इन कर जाएं। फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग के दौरान अगर कभी भी मेरी स्क्रीन फ्रीज हो जाए, मतलब कि आपको मेरी स्क्रीन पे मेरा कर्सर मूव करता हुआ ना दिखे या ऐसा कुछ हो, तो आप चैट विंडो पे लिख के मुझे बता सकते हैं, या अगर मेरी आवाज़ बंद हो जाए तो भी आप चैट विंडो पे लिख के बता सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, शायद 4 लोग और ज्वाइन कर जाने चाहिए। 4 नहीं, 5 लोग और ज्वाइन कर जाने चाहिए। ओके, एक रोल कॉल कर लेता हूँ। पूनम जी, आपको आवाज़ आ रही है? ओके गुड। पंकज जी, पंकज झा। हाँ सर, वेरी गुड। अभिषेक मन्ना।
अभिषेक मन्ना, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? ओके, वेरी गुड. प्रभाकर जी, आई होप यू कैन हियर मी प्रॉपरली. वेरी गुड. पंकज कौशिक. यस सर, क्लियर. बहुत बढ़िया. उमेश जी कंफर्म कर चुके हैं. निनाद जी, ओके, वेरी गुड. कुमार सौरभ, वेर इज कुमार सौरभ? कुमार सौरभ अभी ज्वाइन नहीं किए हैं. ओके, संजय शायद ज्वाइन नहीं करेंगे. कार्तिक कंफर्म कर चुके हैं. ओके, वेरी गुड. काजम, कैन यू हियर मी फाइन? यस सर, गुड मॉर्निंग. ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड. ओके, एक दो मिनट और वेट करेंगे, शायद कुमार सौरभ ज्वाइन करें. मनोज जी, मनोज जी, आपको आवाज आ रही है ठीक से? यस, गुड मॉर्निंग. हाय, गुड मॉर्निंग. राहुल, ठीक से सुन पा रहे हो? यस, गुड मॉर्निंग सर, आ रही है आवाज. वेरी गुड, गुड मॉर्निंग. ऑलराइट फ्रेंड्स, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि एक ऑनलाइन सेशन है, ये एक वेबिनार है, तो जो अभी हालात चल रहे हैं हर जगह, बहुत बारिश हो रही है, सेम इन दिल्ली, बहुत ज़्यादा डाउनपोर हो रहा है कल से, तो जस्ट इन केस अगर कनेक्शन लॉस हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा, आपको लॉग्ड इन रहना है. मैं बैकअप पर स्विच करके वापस ऑनलाइन आ जाऊँगा, और अगर कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी हो जाती है तो फिर अपनी ईमेल्स पे ध्यान रखिएगा. आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, तो बस अपनी ईमेल्स पे ध्यान रखिएगा. अगर कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी हो जाती है तो हम आपसे ईमेल पे कम्युनिकेट करेंगे. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मौसम का हालात देखते हुए. Never know what weather has in store for you. राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं. बाकी लोग ज्वाइन कर जाएंगे जब उनको करना होगा, एंड वी शैल नॉट वेट फर्दर. अभी अभी किसी ने ज्वाइन किया है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द नेम टू गेट अपडेटेड. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपका नाम अभी तक आया नहीं है स्क्रीन पे. ओके, इज दैट अबीर? गुड मॉर्निंग.
Okay. Good morning. Good morning. All right. We are just about to start. All right, friends. So, सबसे पहले welcome to this webinar, trading index and stock options. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस webinar में जो कि आज होने जा रहा है. और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने तो मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने से भी ज़्यादा इंतज़ार किया इस वेबिनार के ऑर्गेनाइज होने का और इसके इसमें इसको अटेंड करने के लिए. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में, ये सेशन ऑलमोस्ट 3 घंटे प्लस का होने वाला है, तो 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय हमें लगेगा. हालांकि मैंने अपने लिए 2 बजे तक का समय एलोकेट करके रखा हुआ है इस वेबिनार के लिए. तो आने वाले 3-4 घंटे में हम काफ़ी सारी चीज़ें इस मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको माइंडसेट अपना ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि एक दिमाग में एक चीज़ बिठा लेनी पड़ेगी. वो ये है कि हम जब ट्रेड करते हैं, चाहे वो ऑप्शंस करें, चाहे वो कैश मार्केट करें, चाहे वो फ्यूचर्स करें, कमोडिटीज करें, करेंसी करें, कुछ भी करें, हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हम स्टॉक को या फिर मार्केट को ट्रेड करते हैं, हम किसी स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं करते. ओके, तो आपको सबसे पहली चीज जो भुला देनी पड़ेगी, अपने दिमाग से एकदम इरेज कर देनी पड़ेगी, वो ये होती है कि हमें कोई ऐसा जादू मंत्र या फिर कोई स्ट्रैटेजी पता लग जाए जिसको कि मैं रोज इस्तेमाल करूं और रोज मुझे जो है प्रॉफिट होता ही चला जाए और मैं कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाऊं. तो ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट्स में. स्टॉक मार्केट्स में जो चीज सीखनी जरूरी है वो ये है कि स्टॉक और इंडेक्स, बेसिकली मार्केट का जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट किस तरीके से होता है, मार्केट कब ऊपर जाती है, कब नीचे गिरती है, कौन कौन से वो लेवल्स होते हैं जहाँ पे कि मार्केट रेस्ट करने की कोशिश करती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है या पीछे सरक जाने की कोशिश करती है. तो हमको ये चीज़ समझनी है आज के वेबिनार में कि मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है. और जैसे ही आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, आपको लाइफ में किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे ये बता दे कि कहाँ पे खरीदना होता है, कहाँ पे बेचना होता है. आपको खुद से ही ये मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा कि ये वाला जो लेवल है ये मेरे बाइंग के लिए या फिर मेरी सेलिंग के लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट लेवल है और यहाँ से मार्केट के उल्टी दिशा में जाने की जो संभावना है वो सबसे कम है. तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमको जो सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि हमको किसी किस्म का कोई स्ट्रैटेजी नहीं सीखना है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज कभी भी मार्केट्स में काम नहीं करती. वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज़ होती है, वो एक दिन आधा दिन आपको कुछ दे जाएगी शायद, पर वो ज़्यादातर दिनों पे आपसे आपका पैसा छीन करके ले जाएगी. इस वजह से हमको समझना है आज के वेबिनार में कि ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले हमको मार्केट को किस तरीके से रीड करना है, कि हमें ये समझ में आ जाए कि ऑप्शंस में लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना चाहिए या शॉर्ट साइड पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं, और वो इंडेक्स में करना चाहिए या किसी स्टॉक में करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें. ओके, तो इसी धारणा के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे कि आज हम मार्केट रीडिंग सीखने वाले हैं. दूसरी चीज़ जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि वी हैव टू अर्न रेगुलर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट. फ्रेंड्स, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड करें या आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाए, और मैं अपने को इंक्लूड करके चल रहा हूँ इसमें, हालांकि मुझे ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, मोर देन 9.5 ईयर्स कैपिटल मार्केट्स में काम करते हुए, ट्रेड करते हुए. पर आज भी मैं ये मान के चलता हूँ कि इस मार्केट में रातों रात करोड़पति नहीं बना सकता. ओके, पर इस मार्केट में कुछ ये किया जा सकता है जिसको कि हम बोलते हैं अर्न रेगुलर इनकम. ओके, तो आप धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, अपने लिए एक इनकम का जरिया बना सकते हैं स्टॉक मार्केट को. पर आप इस मार्केट में ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे को ऑप्शंस ट्रेडिंग करना आ गया है, मैंने देख लिया है या 1-2-4 ट्रेड्स कर लिए हैं,
जिसमें कि पैसा जो है वो 200 गुना मतलब 200% हो जाता है, मतलब डबल हो जाती है मेरी इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है या मेरे बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं सारा निकाल करके एक ट्रेड पे लगा देता हूँ, तो 25 का जो है वो एक ही दिन में या दो ही दिन में मेरे को 25 लाख का 2 करोड़ बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये धारणा जो है वो बहुत गलत है, और मार्केट्स अपने हिसाब से मूव करती है, पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से मूव करती है, ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से मूव करती है। हालांकि हमको एनएससी में ऐसा लगता है कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, या यूके का कोई हाथ नहीं है, या फिर मिडिल ईस्ट का कोई हाथ नहीं है, या हांगकांग का कोई हाथ नहीं है, पर फैक्ट ये है कि किसी भी देश की जो मार्केट होती है वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ही मूव करती है। मार्केट्स इंडिपेंडेंटली केवल अपने मार्केट का जो वर्किंग आवर होता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ मॉर्निंग में मान लीजिए 9:15 बजे मार्केट ओपन हो जाता है और करीबन 3:30 बजे तक रन करता है, तो वो जो 9:15 से 3:30 बजे का जो समय होता है, केवल उसी में हमारे अपने देश का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उस मार्केट में रहेगा। अदरवाइज जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहेगा जब मार्केट्स क्लोज हो जाएंगी और अगले दिन खुलेगी, मतलब जब मार्केट्स ऑपरेट नहीं होती, वो सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्लोबल मार्केट से आता है और ग्लोबल कमोडिटीज से आता है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस वजह से हम हमेशा कहेंगे कि मार्केट में रातों रात करोड़पति बनने का जो सपना है वो अच्छा है देखना, पर उसको सपना ही रहने दीजिए। जो हकीकत है वो है कि हम इस मार्केट से एक रेगुलर इनकम, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, और हम इसी धारणा के साथ आज की ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो एनी क्वेश्चंस, आप चैट विंडो पे कभी भी अपने सवाल को लिख सकते हैं, और आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब सवाल पूछ लें तो अपने माइक्स को वापस म्यूट कर दें, जिससे कि बैकग्राउंड नॉइज जो है वो ना रहे। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ प्रेपरेशन वीडियोस भेजे गए थे, जिसमें कि कुछ थोड़ा बहुत बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीजें थी डेरिवेटिव्स और कैश मार्केट की। तो सबने ये वीडियोस देखी हैं, कोई ऐसा है जिसने कि इन वीडियोस को देखा ही नहीं है, तो आप मुझे बता दें, एटलीस्ट मेरे को ध्यान रहेगा कि आपने कंटेंट को देखा भी नहीं है। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं कि सबने जो 3 वीडियोस को भेजा गया था उसमें जो कंटेंट था उसको देख लिया है, उसको पढ़ लिया है, ठीक है। और नीना जी, थैंक्स अ लॉट, आपका असाइनमेंट जो है वो भी मुझे मिल गया है, और हम कोशिश करेंगे कि उस असाइनमेंट से कुछ चीजें पिक करके आज के इस ट्रेनिंग सेशन में उसका इस्तेमाल करें, अगर हमारे पास समय रहेगा तो। ऑलराइट, तो एक सवाल सबसे पहले वो ये है, एंड लेट मी आस्क कार्तिक दिस क्वेश्चन। ओके कार्तिक, ये सवाल आपके लिए है कि yes, sir. हमारा जो निफ्टी है उसमें कितने ब्रॉड इंडाइसेस हैं? निफ्टी में ब्रॉड इंडेक्सेस, एनएससी जो है उसमें कितने ब्रॉड इंडेक्सेस है? काउंट तो मालूम नहीं है सर मुझे, मगर इंडेक्सेस मालूम है, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, ओके, और निफ्टी एफएमसीजी, ओके, और निफ्टी ऑटो, इतना मालूम है सर मुझे। वेरी गुड, ये जो इंडेक्सेस का आपने, इंडेक्सेस का आपने नाम लिया, इनमें से कितने इंडाइसेस को ट्रेड किया जा सकता है? मतलब मैं तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को वॉच करता हूं सर। ओके, निफ्टी आईटी को भी ट्रेड करता हूं।
निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट? यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अपने को यही यही सब फंडामेंटल्स है, यही बेसिक्स हैं, ठीक है? ये अपने को क्लियर होगा तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो इंडाइसेस की जब हम बात करेंगे कि हम इनको ट्रेड करना चाहते हैं, वो होंगे हमारे लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। इसके अलावा आप किसी भी इंडाइसेस को या तो ट्रेड नहीं कर सकते या फिर ट्रेड नहीं करोगे। मतलब निफ्टी आईटी और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं सर, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूं सर, मैं उससे ज्यादा वॉच ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उनमें वॉल्यूम नहीं है। ठीक है सर। ओके, तो हम अगर ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे या डेरिवेटिव्स में बेसिकली हम लोग ट्रेड करेंगे, तो हम केवल ट्रेड करेंगे दो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में, जो कि है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। ओके, इसके अलावा हम किसी भी इंडाइसेस में अगर ट्रेड कर भी सकते हैं तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उनमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। वो मार्केट्स वो इंडाइसेस फॉर ट्रेडिंग अभी मैच्योर नहीं हुई है, शायद और 5-6-10 साल लगेंगे उन इंडाइसेस को मैच्योर होने में, जबकि उनमें वॉल्यूम आ जाएगा, और जब उनमें वॉल्यूम आ जाएगा तब उनको ट्रेड किया जा सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आप एफएनओ स्टॉक्स जो होते हैं, ठीक है, करीबन 300 के आसपास हेल्दी एफएनओ स्टॉक्स हैं हमारे पास, जिनमें कि आप ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। पर आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शंस ट्रेड या फिर फ्यूचर्स में जब ट्रेड करते हैं तो रिस्क इज एट द हाईएस्ट साइड। मतलब इस मार्केट में ट्रेडिंग का जो सबसे रिस्कीएस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है डेरिवेटिव्स। ओके, इस वजह से आप जब भी डेरिवेटिव्स को ट्रेड करोगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप उन्हीं डेरिवेटिव्स को ट्रेड करेंगे जिसमें कि लिक्विडिटी का क्रंच ना हो, जिसमें कि पैसे की कमी ना हो, ठीक है? और इसको समझ लेने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि शुरुआती 3-6 महीना जब आप ट्रेड करेंगे अभी, ठीक है, इस ट्रेनिंग को करने के बाद जब आप अगले 3-6 महीने तक जब इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे, इस दौरान आप निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक्स को ट्रेड ना करें। ओके, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक्स को ट्रेड ना करें क्योंकि उन स्टॉक्स में लिक्विडिटी का हमेशा ही प्रॉब्लम रह सकता है, ठीक है? क्योंकि इतने स्टॉक्स हैं और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इतने स्टॉक्स में तो काम नहीं कर सकते, राइट? तो वो कुछ सिलेक्टेड फ्यूज में ही काम करते हैं और वही आज हम सीखने जाएंगे कि किस तरीके से हमें ये पता लग सकती कौन से वो सिलेक्टेड फ्यू स्टॉक्स हैं जिनमें कि अगर हम ट्रेड करें तो हमको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे स्क्रीन पे NSE का वेबसाइट नजर आ रहा होगा आप सभी को, और सबसे पहले इस मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इस मार्केट के अंदर आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, मैंने इंटरफेस रिपोर्ट के बारे में समझाया है। ओके, तो उस एक इंटरफेस रिपोर्ट पे हम जा रहे हैं जो कि है प्रोडक्ट से इक्विटीज और इक्विटीज से हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल डेटा से आर्काइव्स ऑफ डेली रिपोर्ट्स, और इस इंटरफेस से हम ड्रॉप डाउन करेंगे और एक रिपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे जिसका कि नाम है मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट। ओके, तो मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे और यहां पे हम एक तारीख चुन लेंगे, कोई भी तारीख चुन लेंगे। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि थर्सडे, जो पिछला थर्सडे था 19 जुलाई, इस दिन की फाइल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ।
तो इसको करने के बाद मैं एक गेट डेटा करूंगा, तो मेरे सामने ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी, ओके, जो कि कॉमा सेपरेटेड वर्जन है। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फाइल डाउनलोड होने लगेगी। यहाँ पे देखिएगा, ये फाइल यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस फाइल को ओपन कर लूंगा। जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये फाइल मेरे पास एक्सेल शीट फॉर्मेट में खुल जाएगी यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है यहाँ पे वो ये है कि क्या आपको इस वाली जगह पे एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है जिसको की कहते हैं ट्रेडेड वैल्यू रुपीज इन करोड़। ओके, वेरी गुड। नाउ ये जो ट्रेडेड वैल्यूज रुपीज इन करोड़ है, अब ये खुद ही कह रहा है कि ये करोड़ है, राइट? तो मैं इसको सबसे पहले तो करोड़ में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि ये जिससे कि ये ठीक से हमको समझ में आने लगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर ले रहे हैं, ओके। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ओके। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बन गई है हमारे सामने, और इस वैल्यू में हम क्या करेंगे कि हमको ये पता होता है कि जो $1 है वो करीबन 70 रुपये का है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि 70 रुपये का है। तो इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 70 रुपीज़ से, ठीक है। तो मेरे पास एक फिगर आ जाती है जो कि कुछ इस तरीके की है, ओके। तो डेसिमल पॉइंट्स को हटा देता हूँ। तो क्या आपको यहाँ पे एक फिगर नजर आ रही है जो कि ऑफ द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट $3.9 बिलियन है? यस और नो? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे मार्केट का मैग्नीट्यूड है, ओके। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इतना कारोबार होता है इस मार्केट में, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट $4 बिलियन के बराबर है, राइट? एक दिन का, ये एक दिन की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इतने का कारोबार, $4 बिलियन का कारोबार तो एक ही दिन में हो जाता है। तो क्या इस मार्केट से 2, 4, 5, 10, 20, 25 हज़ार रुपये निकालना मुश्किल काम लगता है आपको? अगर $4 बिलियन का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें हम अगर ढंग से काम करें तो हम कोशिश कर ही सकते हैं ना कि हम एक रेगुलर इनकम को निकाल सकें, राइट? दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है तो आप हमेशा ये सोच करके चलें कि आप किस तरीके के मार्केट के साथ काम कर रहे हो, आप किस तरह की इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाह रहे हो, ठीक है। अगर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसमें $4 बिलियन का तो कारोबार होता है दिन में, तो आपको लगता है कि ये जगह हलवा होगी कि कोई भी आएगा और इस इंडस्ट्री में काम करके चला जाएगा? राइट? तो ये हलवा तो होने नहीं वाली, राइट? कि बहुत ही आसानी के साथ कोई भी सुबह उठेगा और ये सोचेगा कि आज मैं मार्केट में जाऊंगा करोड़पति बन के वापस आ जाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतने का कारोबार दिन का होता है तो इसमें जरूर कोई ना कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक काम करने का तरीका होगा, राइट? और जिन लोगों को वो काम करने का तरीका नहीं आता है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ओके? तो आप इस चीज को इस तरह से कोरिलेट करें कि हम लोग जब जॉब करते हैं, राइट, हम किसी ना किसी कंपनी में काम करते होंगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा उस कंपनी का? शायद $30 बिलियन साल का, $40 बिलियन, या बहुत ज्यादा होगा तो $200 बिलियन की कंपनी में काम करेंगे, राइट, इन अ ईयर, जो कि मतलब हम कर सकते हैं यहां से बैठ के। तो आप ये सोचिए कि अगर एक एनुअल रेवेन्यू या एक एनुअल टर्नओवर किसी कंपनी का $30-40 बिलियन होता है तो उसमें काम करना कितना कॉम्प्लेक्स होता है, कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कितने प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से हमें
यू नो अपने आप को ग्रूम करना है, किस तरह से हमें वहाँ प्रमोशन मिल सकता है, किस तरीके से काम होता है, कैसे हमें लीडरशिप से इंटरेक्ट करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिनको आप ध्यान रखते हो जब आप अपने ऑफिस में काम करते हो, राइट? और वो ऑफिस जिसमें आप काम कर रहे हो वो उसका शायद जो साल का टर्नओवर है वो इस इंडस्ट्री के शायद 30 दिन का टर्नओवर होगा या 20 दिन का टर्नओवर होगा या 10 दिन का टर्नओवर होगा, राइट? तो अगर उस कंपनी में काम करना इतना मुश्किल है जिसमें आज की डेट में शायद आप कर रहे हो या पहले करते थे, अगर उस कंपनी में काम करना इतना डिफिकल्ट है जिसका कि ओवरऑल मैग्नीट्यूड इतना छोटा है, तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में काम करना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है? इसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स का हमें ध्यान रखना होगा, कुछ फंडामेंटल चीजों का समझ होना होगा, ठीक है? आपने जब भी अपने किसी भी कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में कभी भी ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे इंडक्शंस होती हैं, वहाँ पे एचआर आके समझाता है कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, अगर क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहे हो तो किस तरह से ग्रूम अप होना है, लीडरशिप से अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरह के एंगेजमेंट मॉडल्स होते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो इस तरह से आपको समझाते हैं वो लोग जो कंपनी में जिसमें भी आप ज्वाइन करते हो, तो वो इंडक्शन करते हैं, राइट? आप लोगों को इंडक्शन करके वो तैयार करते हैं कि आपको उस कंपनी के अंदर काम करने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि आप मन में धारणा बना करके किसी मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मार्केटिंग है, करना क्या है, एड कैंपेन्स, प्रिंट कैंपेन्स हैं या कुछ और तरह के कैंपेन्स है, उसमें हमको इनोवेट करना है और उसी से हमें जो है अपना परफॉर्मेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना है। पर जब आप रियलिटी में उस मार्केटिंग कंपनी में घुस जाते हो तो वहाँ पे ये पता लगता है कि आपसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस जॉब को कर रहे हैं जिस जॉब में अभी आप शायद दो दिन पुराने हो, राइट? तो उस समय पे आपके मन में ये धारणा आ जाती है कि यहाँ पे एकदम से उड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे उड़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले मुझे इस एनवायरनमेंट को समझना है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों से दोस्तियाँ बनानी है, ठीक है? दोस्तियाँ बनानी है मतलब कि आई हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी बहुत समय से काम कर रहे हैं और जो सक्सेसफुल हैं, वहाँ पे स्टोरीज सुनने लगते हो आप कि यार ये बंदा जो है एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आया था और आज हेड ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है? 10 साल पहले ये लड़का जो है आईआईएम से निकला, वहाँ से निकल के उसको कैंपस हायर किया गया, कैंपस हायर किया तो डोर सेल्स में इसको नौकरी दिया गया सबसे पहले, और उसके बाद आज 10-11 साल के बाद वो हेड ऑफ मार्केटिंग है इस पर्टिकुलर कंपनी का। ऐसी स्टोरीज चलती हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपके मन में क्या आ जाता है एकदम से कि यार ये तो प्रोफेशनल है ना, अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे इससे सीखना है क्योंकि मुझे इससे भी तेज आगे बढ़ना है, राइट? तो इसी तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये स्टॉक मार्केट है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी ऑफ द कंपनीज दैट वी वर्क विद और वी कैन ड्रीम ऑफ वर्क विद, ठीक है? उसका रीजन ये है कि आप जब इस मार्केट में काम कर रहे हो तो आप एक साथ अगर केवल निफ्टी 50 को भी जज करो तो एक साथ 50 कंपनीज में काम कर रहे हो, ठीक है? उन सबके रेवेन्यूज आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं, उन सभी की बैलेंस शीट जो है वो आपकी बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करने वाले हैं, आपके वर्किंग स्टाइल को इम्पैक्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जब इस मार्केट में आप उतरते हैं मैग्नीट्यूड को समझ लीजिए कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो। अगर आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो तो सबसे पहले हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को समझ लेना जरूरी है कि इस मार्केट में किस तरीके से काम होता है, ठीक है? जो कि अभी आज हम इस ट्रेनिंग के फर्स्ट हाफ में करने वाले हैं। उसके बाद जब उन प्रोटोकॉल्स के बारे में हमारी बात हो जाएगी और आप इन प्रोटोकॉल्स को समझ जाओगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे दोस्ती बनानी है। दोस्ती बनाने का मतलब कि हमें कहाँ कहाँ पे जो है लोगों को जैसे फॉलो करते हैं इसमें जो लोगों को हम फॉलो करते हैं अपने कंपनीज में जब हम जाते हैं, तो कि ये मेरा आइडियल है जिसके बारे में मैंने सुन लिया था कि 10, 11, 12 साल के अंदर ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से हेड ऑफ मार्केटिंग बन गया है इतनी बड़ी कंपनी का, तो उस तरह की चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? जो कि सेकेंड हाफ ऑफ इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा।
उनको जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक रात में तो सब कुछ नहीं कर सकते, हम उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। और जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको फॉलो किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, जिससे कि अगर आप उनकी उंगली पकड़ के भी चलना शुरू कर दोगे तो भी आपको इस मार्केट में काम करने में और प्रॉफिटेबल रहने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को, तो थोड़ा सा समझना चाहूंगा आप लोगों से कि एनी क्वेश्चंस, ये फंडामेंटल बात आपके समझ में आ गई है कि करना क्या है, प्रॉफिटेबल कैसे होना है। ओके, वेरी गुड। नाउ अब मैं वापस चल रहा हूं इसी एनएससी के वेबसाइट पे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। हाँ, ओके, तो ये एनएससी का वेबसाइट है। ओके, ये जो एनएससी की वेबसाइट है ये आपकी किताब बनने वाली है। ओके, इस वेबसाइट से ज्यादा अपडेटेड और बेहतर किताब आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिल सकती। ओके, और इसका रीजन मैं ये कह रहा हूं व्हाई एनएससी एंड नॉट बीएससी, बिकॉज ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो आप ट्रेड कर सकते हो वो एनएससी में ही है, ठीक है। बीएससी एक बहुत ही पुरानी एक्सचेंज है और एक ट्रेडिशनल एक्सचेंज है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मतलब अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना होता है बीएससी और एनएससी के अंदर, तो मैं उसको इस तरीके से कहता हूँ कि बीएससी जो है वो सरकारी है और एनएससी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो इस तरीके का फर्क है इन दोनों में। तो आप लोगों को पता है कि आज अगर हम बात करें कि कहाँ पे MTNL या BSNL जो फोन की कंपनीज है वो कहाँ है, और अगर हम बात करें कि आज की डेट में एयरटेल या रिलायंस जियो कहाँ पे है, तो इस तरीके का डिफरेंस है। अगर एयरलाइंस की भाषा में बात करोगे तो आप जानते हैं कि एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस का क्या हाल है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या इंडिगो एयरलाइंस जो हैं वो कहाँ पे किस लेवल पे काम कर रही हैं, ठीक है। हालांकि ये सब नई हैं, ये सब प्राइवेट कंपनीज बहुत नई हैं इस मार्केट में, और जो इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया जो है वो तो मतलब टाटा ने इंसेप्शन किया था, उसके बाद गवर्नमेंट को दे दिया कि अच्छा ठीक है आप लोग रन कर लीजिए, हमारे देश का एयरलाइन बनेगा, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है, पर आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके का वॉल्यूम आता है। ओके, तो ये फर्क है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि एटलीस्ट आने वाले कई सालों तक, शायद हमारे लाइफ स्पैन तक, ये जो वेबसाइट है ये आपकी किताब बनेगी, और इस किताब से ज्यादा अपडेटेड कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो सुबह उठ के अगर आपने इस किताब के दर्शन नहीं किए तो आप उस दिन ट्रेड ना करें। ओके, तो इस किताब के दर्शन होना सुबह सुबह जो सबसे पहला काम है वो इस वेबसाइट से शुरू होना चाहिए, ठीक है, इस वेबसाइट से शुरू होना चाहिए, और उसके बाद आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है, ठीक है। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं और जब मार्केट क्लोज हो रही होती है और सब नुकसान हो चुका होता है उनका, उसके बाद आकर के देखते हैं या देख लेते हैं यार एनएससी पे क्या दिखा रहा है, कौन सा टॉप गेनर है, क्या टॉप लूजर है, या किसमें ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक उल्टा पैटर्न है करने का काम, तो ज्यादातर लोग ऐसा ही काम करेंगे, ठीक है। तो आपको सही पैटर्न से काम करना है, आपको सबसे पहले मॉर्निंग में एनएससी वेबसाइट को रेफरेंस बना करके चलना है। आप सबसे पहले एनएससी वेबसाइट को विजिट करोगे और उनमें किन पैरामीटर्स को पढ़ना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा इस ट्रेनिंग में, उसके बाद आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करोगे, और कुछ दिनों तक, पहले तो कुछ दिनों तक आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिएगा कि अगर एनएससी की वेबसाइट पे देख करके आपको समझ में आता है कुछ,
तो ही आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करोगे, अदरवाइज उस दिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, वो एक वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो एनएससी की वेबसाइट है, इस एनएससी की वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिन पे कि हमें ऑलमोस्ट ध्यान रखना चाहिए, वो कौन कौन से एरियाज होंगे। वो ये होंगे कि जब आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो पहला एरिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो ये होने वाला है। हालांकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप ज्यादातर क्लूज जो है वो इस टेबल से नहीं लोगे, पर मॉनिटरिंग पर्सपेक्टिव से आपको इस टेबल की हो सकता है कि जरूरत पड़ेगी। तो पहली चीज होगी ये वाला जो हिस्सा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है इस जगह पे क्लिक करके जो ये वाला टेबल बनता है, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, वैल्यू वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो टेबल बनता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और जो तीसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, वो होने वाली है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जाकर के इक्विटीज पे क्लिक करके, हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करके, आर्काइव्स ऑफ डेली रिपोर्ट्स पे क्लिक करके जो ये इंटरफेस खुला है, ये इंटरफेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, वो ये है कि सबसे पहला तो ये जो जहां डिफॉल्ट खुला है, जहां से ये रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड करके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो रिपोर्ट होगी वो होगी ये बैव कॉपी, ये वाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आपके लिए वो होने वाली है कि ये वाला जो आइटम आप लाइन आइटम यहां पे देख रहे हैं जो कि है सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो इंटरफेस है, ठीक है, ये वाला जो इंटरफेस है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, ये जो इंटरफेस है, इसमें एक फुल डाउनलोड का भी ऑप्शन रहता है, तो अगर आप कभी चाहें तो इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को इस जगह का जो URL है वो आपको दे दिया गया है। ऑलराइट, जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं फर्दर। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को जो प्रेपरेशन वीडियोस भेजे गए थे, ठीक है, उसमें एक वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया था। सबको ये कॉन्सेप्ट ओके है, सबको समझ में आ गया है? ओके, वेरी गुड। तो मान लेते हैं कि कुछ एक ऐसा सा कुछ एक मान लीजिए कैंडल है हमारे पास, ओके,
और जैसा कि मैं कहता हूँ कि कैंडल का जो रंग है वो मान लीजिए कि मान लीजिए हरा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो अगली कैंडल जो अगले दिन पे बनी, ये डेली कैंडल्स हैं, ओके गाइस, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, देयर इज अ कॉल, आई नीड टू अटेंड दैट। Apologies, friends. Sorry. Okay. अब मान लीजिए कि दूसरा कैंडल कुछ इस तरीके का बन गया है, ओके तो अब देखते हैं कौन बताएगा। अभिषेक, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को। अभिषेक ये बताइए, यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज। ओके यही सवाल कार्तिक, इंक्रीज हुआ है सर। ओके कुमार सौरभ, निनाद डिक्रीजिंग, वेरी गुड। उमेश, ओके। पंकज कौशिक, सर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट। वेरी गुड। पंकज झा, ओके। पूनम, ओके। प्रभाकर, ओके इंक्रीज, फाइन गाइस। जिन लोगों ने भी जवाब दिया इंक्रीज वो गलत है, यहां पे वॉलेटिलिटी डिक्रीज हुआ है, ओके तो यहां पे वॉलेटिलिटी गिरा है, यहां पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है, और यही चीज शायद उस वीडियो में आप लोगों को समझाने की हमने कोशिश करी थी। ओके नाउ फ्रेंड्स,
हमेशा ध्यान रखिएगा जब ये रंग भर देते हैं हम कैंडल्स में, ओके, अगर दो डिफरेंट कलर के कैंडल्स आ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव, वॉलिटिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब कॉन्जिक्यूटिव, अगर मान लीजिए कि ये वाला जो कैंडल है ये भी रेड है, रेड फॉलोड बाय रेड, ठीक है, दोनों रेड कलर हैं, दोनों सेम कलर कैंडल्स हैं, यहां पे वॉलिटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहां पे जो वॉलिटिलिटी है वो बड़ी है, और जो पहला एग्जांपल हमने लिया था वहां पे वॉलिटिलिटी जो है वो कम हुई है। ये सबको याद रहेगा, किसी को कंफ्यूजन है इस चीज में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके, इसका हमें इस्तेमाल करना है। किसी को भी इसको समझने में परेशानी है तो अभी बता दें प्लीज। ओके, अब मैं क्यों बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग भी अभी तक कुछ नहीं, अभी गैप के बारे में बात नहीं किया, अभी गैप हम करने वाले हैं थोड़ी देर में, वी विल टॉक अबाउट लिक्विडिटी, ठीक है। अभी तो अब सिर्फ रंग पे अटके हैं, ठीक है, कि दो कैंडल दिख रहे हैं दो लगातार दिन के, तो वो जो कैंडल का रंग है वो कौन से रंग का है वही हमें बहुत कुछ बता देगा, ठीक है। तो जैसे अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो वॉलिटिलिटी इंक्रीज हुआ है इसमें, क्योंकि दोनों का कलर सेम है। अगर पहला वाला जो एग्जांपल था जिसमें कि एक हरा था दूसरा लाल था, तो उसमें वॉलिटिलिटी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी अभी तक कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस में कर रहे थे या डेरिवेटिव्स में काम कर रहे थे, आप में से कभी किसी ने, नहीं कुमार, नो गैप इज रिक्वायर्ड राइट नाउ, राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कलर, ठीक है, अभी सिर्फ कलर पे हैं, अभी हम गैप की बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप में से, आप लोगों में से किसी ने कभी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में सुना है? डेरिवेटिव्स में एक चीज होती है जिसका की नाम होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, किसी ने भी सुना है इस नाम के बारे में कभी? ओके, अगर किसी ने कभी सुना है तो वो बताए मुझे। ओके अभिषेक, अभिषेक एनी आइडिया इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चीज होता है? लेमैन टर्म्स में, कुछ टेक्निकल नहीं चाहिए अपने को, क्या क्या होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी? इट्स रिलेटेड विद गामा बीटा, आई मीन दैट्स टर्म्स ऑफ ऑप्शंस आई गेस। ठीक है, वेरी गुड, ऑलराइट, वेरी गुड, फाइन। तो आज के इस सेशन में हम ये गामा बीटा अल्फा थीटा इन सब के बारे में कोई बात नहीं करने वाले, ठीक है, ओके। उसका रीजन ये है कि दैट इज ऑल वेरी गुड इंफॉर्मेशन टू हैव, और कभी आपके पास समय हो तो देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स अवेलेबल जिसमें कि इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ओके। पर उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो आपको बहुत सिंपली और बहुत आसानी के साथ चार्ट्स पे ही दिख जाएगा, तो आपको उतना टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है कि आप ये देखें कि रेफ्रिजरेटर में कंपोनेंट्स कौन से लगे हैं, या रेफ्रिजरेटर का जो आर्किटेक्चर है वो अंदर का जो सर्किट डायग्राम है वो क्या है। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ्रिज काम नहीं कर रहा है, और अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो इसका मतलब फ्रिज काम कर रहा है, ठीक है। तो अपने को वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत होता है और उसका इस्तेमाल होता है डेरिवेटिव्स मार्केट में, वो वॉलेटिलिटी से ही डिराइव किया जाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शंस की जो वैल्यू होती है, जो ऑप्शंस एक इंश्योरेंस है, राइट, एक वीडियो में मैंने समझाया है, ऑप्शंस इज नथिंग बट एन इंश्योरेंस, राइट,
हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शंस का जो वैल्यू होता है, मतलब जो प्रीमियम होता है ऑप्शंस का, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस प्रीमियम ओके जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो इसका आईवी होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईवी रहता है, जिसका कि मतलब ये है कि ऑप्शंस का प्रीमियम, ठीक है, द प्रीमियम विल इंक्रीज इफ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग। उसी तरह से प्रीमियम विल डिक्रीज ओके इफ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी गिर रही है तो प्रीमियम भी गिरेगा, ठीक है। और ये जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है इसको आप मान सकते हैं कि ये एक वॉलेटिलिटी है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है डेरिवेटिव्स मार्केट में इसको इंप्लाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने अपने वीडियोस में समझाया था आपको जो प्रेप वीडियोस भेजा है, कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो तो है ही नहीं, वो एक ऐसी वर्चुअल चीज है जिसको आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जो एग्जिस्ट करता है वो केवल वो प्रोडक्ट है मार्केट में। अब मान लो कि अगर ये टाटा स्टील का कैंडल्स है तो टाटा स्टील का जो कैश मार्केट है वहां पे शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो फिजिकली देख सकते हो आप, पढ़ सकते हो उनको, पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वर्चुअल ट्रेडिंग है, ठीक है। वो जो वर्चुअल ट्रेडिंग है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कैश मार्केट के मूवमेंट के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाया जाता है, ठीक है। इस वजह से यहां पे इसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, जो एक्सप्लेन किया अभी मैंने, पर इसी चीज को जब आप डेरिवेटिव्स में देखोगे तो इसको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। पर आप ये मान के चल सकते हैं वॉलेटिलिटी और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कॉन्सेप्चुअली आर द सेम। इज दिस थिंग क्लियर? अब मुझे बताओ किसने गलत जवाब दिया था। पहला अभिषेक। यस सर। अगर वॉलेटिलिटी किसी स्टॉक का बढ़ रहा है तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? इट विल इंक्रीज। और फिर उसमें प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा? प्रीमियम विल आल्सो इंक्रीज। प्रीमियम विल आल्सो इंक्रीज। कौन सा प्रीमियम, कॉल का या पुट का? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया आपने। तो अभी हमको ये ध्यान में रखना है, वॉलेटिलिटी जब बढ़ेगा तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है, और वॉलेटिलिटी जब घटेगा तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी घटेगा, ठीक है। अब अगला जवाब किसने गलत दिया था? कुमार, कुमार सौरभ, राइट। आपके पास कैन यू टॉक, मतलब माइक है क्या? अच्छा, जिसने भी जवाब गलत दिया था किसी के पास माइक है? यस सर। ओके कार्तिक, अब ये बताओ, ये समझ गए कि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ेगा कैश मार्केट में तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। आप ये वाला एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल ले लो, इसमें वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर। वॉलेटिलिटी इंक्रीज का डायरेक्शन किस तरफ को है? डाउनवर्ड साइड सर।
डाउनवर्ड साइड. तो मुझे ये बताओ कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है सर. अगर ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा? कॉल का घटेगा, पुट का बढ़ेगा सर. फैंटास्टिक. तो इसका मतलब है कि जो पुट का प्रीमियम है वो बढ़ेगा. हाँ सर. ठीक है. तो गाइज इसी वजह से इसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं. ठीक है. क्योंकि इसमें दो वर्जन होते हैं हमेशा, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी को डिराइव करके इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का नाम दिया गया है डेरिवेटिव्स में. तो फ्रेंड्स आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा हम लोग को ब्रेक लेना है. एक लेवल यहां पे है और एक लेवल यहां पे है. ठीक है. एक इंश्योरेंस यहां पे चल रहा होगा और एक इंश्योरेंस यहां पे चल रहा होगा. इस वाले इंश्योरेंस को नाम दिया गया है कॉल्स. इस वाले इंश्योरेंस को नाम दिया गया है, नीचे वाले को नाम दिया गया है पुट. ठीक है. तो एक इंश्योरेंस मिल रहा है पुट का, एक इंश्योरेंस मिल रहा है कॉल का. मतलब यह है कि इंश्योरेंस है ना, राइट? तो इंश्योरेंस जब आप खरीदते हो, लाइफ इंश्योरेंस होता है जैसे. ठीक है. तो अगर लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि रिस्क है, लाइफ पे रिस्क है. अचानक से मेरे को कुछ हो जाता है और मैं एक अर्निंग मेंबर हूं घर का, तो फाइनेंशियल आउटपुट पे इंपैक्ट होने वाला है, राइट? एक इंपैक्ट पड़ने वाला है. तो उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस को खरीदा जाता है. ठीक है. उसी तरह से अगर कोई मान लीजिए मार्केट, ये मार्केट का मान लीजिए कि दो कैंडल है, अगर कोई मार्केट में लॉन्ग है तो उसका रिस्क क्या है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए. और अगर कोई मार्केट में शॉर्ट है तो उसका रिस्क क्या है कि कहीं मार्केट ऊपर ना चढ़ जाए. ठीक है. क्योंकि इन दो सूरतों में उनका नुकसान होने वाला है. मानते हैं सब, अगर कोई लॉन्ग है और मार्केट गिर जाए तो नुकसान होगा ना, और अगर कोई शॉर्ट है और मार्केट चढ़ जाए ऊपर तो उसका लॉस हो जाएगा. ठीक है. इस वजह से इंश्योरेंस जो होता है वो कॉल और पुट के रूप में बेचा जाता है मार्केट में. जो अंडरराइटर्स होते हैं वो कॉल और पुट को एज इंश्योरेंस सेल करते हैं. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो इंश्योरेंस होता है वो कॉल्स होता है और जो नीचे वाला इंश्योरेंस होता है वो पुट होता है. ठीक है. अब अगर कैश मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो हमने पढ़ा इफ द वॉलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगा, और अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रीमियम भी इंक्रीज होगा. पर किसका प्रीमियम इंक्रीज होगा? पुट का प्रीमियम इंक्रीज होगा. ओके. उसी तरह से अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, ओके, अब इसको बदल देते हैं इसका पोजीशन को. मान लीजिए ग्रीन एंड ग्रीन. तो इस केस में क्या हो रहा है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग क्योंकि दोनों कलर्स, दोनों कैंडल्स का जो कलर है वो सेम है. अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगा, और अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा. पर प्रीमियम किसका बढ़ेगा? कॉल का बढ़ेगा. ठीक है. समझ रहे? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो, बिना इसके आप एक इंच नहीं मूव कर पाओगे ऑप्शंस में. ठीक है. अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं. अभिषेक. यस सर.
क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज फिर वही बात, इट इज इंक्रीजिंग. ये रंग क्या है? Because the previous candle was red candle and then the next candle is a green candle, so that way the price is increasing. I mean the volatility is also increasing. अरे price को छोड़ दो, price की बात करी अभी तक अभिषेक मैंने? अच्छा guys बुरा नहीं मानना, मैं ना कभी डांट देता हूँ क्लास में, ठीक है, और वो जो डांट देता हूँ तो वो आपके बेनिफिट के लिए, ओके? तो बुरा नहीं मानना, ठीक है, इट इज नॉट अगेंस्ट यू, इट इज नथिंग पर्सनल, ओके? यार मेरे को ये बताओ अभिषेक कि अभी क्या मैं प्राइस का बात किया है अभी तक? नहीं. मैंने क्या बोला है, रंग कलर? ये कलर क्या है? रेड. ये कलर क्या है? ग्रीन. दोनों कलर सेम है? नो. अगर सेम नहीं होते तो वॉलेटिलिटी बढ़ता है घटता है? अगर सेम होता तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता, बट यहाँ पे ये दोनों अलग होता है, तो ये चीज आपने फिलहाल अभी इसमें बताया नहीं है अभी तक. नहीं बताया, यहीं से तो शुरू किया था हमने. ओके जब भी अलग अलग कलर होगा, ठीक है, ये देखो रेड के बाद ग्रीन आ रहा है या फिर ग्रीन के बाद रेड आ जाएगा, मतलब दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडल्स का कलर अगर अलग अलग होगा तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रहा है. ओके ठीक है. ओके वॉलेटिलिटी इज रिड्यूसिंग. ओके बिकॉज द लास्ट टाइम यू गिव द एग्जांपल, उस टाइम पे आपने दो कैंडल जो लगाया था, ये पहला ऊपर लगाया था नीचे लगाया था, उसको आपने डिक्रीज बताया था. So, मैं कंफ्यूज हो गया था, शायद वो प्राइस यानी नेक्स्ट मूवमेंट के हिसाब से होगा. प्राइस अभी नाउ इट इज क्लियर, प्राइस पे आएंगे. यस ठीक है, अभी कलर बात कर रहे हैं. ओके केवल कलर. इट्स लाइक ठीक है, सो नाउ इट इज क्लियर. नाउ इफ दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स इफ दे आर इन द सेम कलर देन इट इज इंक्रीजिंग, एंड इफ इन केस बोथ द कलर्स आर डिफरेंट देन इट इज डिक्रीजिंग, राइट? वेरी गुड. इन टर्म्स ऑफ मुझे ये बताओ. करेक्ट. नाउ टेल मी, वॉलेटिलिटी इज रिड्यूसिंग, राइट? राइट. इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीजिंग. घटेगा. वो भी घटेगा. हाँ. तो प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा? तो प्रीमियम घटेगा. वेरी गुड. घटना चाहिए. प्रीमियम घटना चाहिए. आप प्रीमियम किन दो जगह का घटना चाहिए, किसका घटना चाहिए, कॉल का या पुट का? कॉल का. ओके इस केस में क्या होगा, प्रीमियम दोनों का घटेगा. ओके ठीक है. तो ठीक है, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लाल के बाद हरा आ रहा है ना, लाल के बाद हरा आ रहा है, आपको प्राइस दिख रहा है ऊपर बढ़ रहा है, राइट? पर फिर भी क्या आप कॉल को खरीदना चाहोगे? No. कॉल को नहीं खरीदना चाहोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली मुझे पता है कि वॉलेटिलिटी गिर रहा है तो कॉल पुट दोनों का ही वैल्यू डेप्रिशिएट होना चाहिए, ठीक है, घटना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड. ओके कार्तिक. यस सर. तो यस सर, अपने को ये समझ में आया कि volatility reducing, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो उससे implied volatility decrease हो रहा है, yes sir, तो premium should fall, right? yes sir. अगर premium should fall, तो दोनों का will fall. जब गिरता है तो दोनों का गिरता है. हाँ sir. So the premium of put will also depreciate and the premium of call should also depreciate. yes sir. ठीक है. सो इन सच केसेस विल यू बी बाइंग कॉल्स? नो सर, वी विल ईट द प्रीमियम बाय सेलिंग कॉल्स एंड पुट्स. वेरी गुड. सो वी कैन ईट द प्रीमियम बाय सेलिंग कॉल्स एंड सेलिंग पुट्स, ठीक है. हाउएवर इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो यू विल ट्राई टू ईट
the premium by selling calls. Okay, and sir. You will hedge your position by buying puts. Okay, sir. ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में एक ब्रेक के बाद. ठीक है, ओके सर. तो आप लोगों को प्लीज लॉग आउट नहीं कीजिए. ओके, 10:10 दिख रहा है मेरे घड़ी में. हम लोग 10:20 पे वी विल दोबारा चालू. ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा एक बार रिपीट. ठीक है, इसके बिना आप लोग एक इंच नहीं मूव कर पाओगे ऑप्शन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो 10:20 में वी विल स्टार्ट अगेन. आई एम जस्ट लीविंग द कंप्यूटर एज इज, आप भी लॉग आउट नहीं कीजिएगा.